जो नए अधिकारी आएंगे उनकी खातिरदारी मेहमान नवाजी कौन करेगा, क्योंकि ये ब्रिटिश अधिकारी जो है वो गांव के किसी नामी गिरामी व्यक्ति या कोई पदाधिकारी, इनको छोड़कर किसी को अपने करीब आने ही नहीं देते। और हम सबको तो पता ही है, महामारी के बाद इतने सालों में अंग्रेज सरकार ने हमारी शिरडी के लिए कोई प्रशासक नियुक्त किया ही नहीं है, तो ऐसे में। लेकिन बाबा, हम उन्हें किसी सरकारी आयोजन के लिए नहीं बल्कि दशहरे के अवसर पर शिरडी में होने वाली रामलीला देखने के लिए बुला रहे हैं। रामलीला में भाग लेने वाले बच्चों के आई बाबा को उनके स्वागत की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं हम। हाँ, ये सही रहेगा। जिन जिन के बच्चों को रामलीला में भाग लेना है वो कृपा करके आगे चल के आ जाएं। बात बात पर तिरस्कार, अंग्रेजों की आवभगत के लिए मुझे न्योता क्यों नहीं दिया? पता नहीं मेरा समय मुझे कब वापस मिलेगा जब मैं इन सभी गांव वालों से प्रतिशोध ले सकूंगा। मिलेगा नहीं, मिल गया। वो ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन ही था जिसने मुझे मेरे पद से हटा दिया। इतने वर्षों में मुझसे मिलने से मना करता रहा, किंतु अब मेरी राह का काटा निकल गया है। नया अधिकारी आ रहा है, और नया अधिकारी अर्थात नया अवसर। मुझे पता है अब उससे कैसे संपर्क करना है। साई, वो बड़ी देर से आपकी राह देख रहे हैं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, मेरे बेटे की मदद कीजिए। क्या हुआ इसे? आए दिन मुन्ना बीमार पड़ा रहता है, सारा दिन रोते रहता है। और इसे ये समस्या कब से है? कुछ समय हुआ साई, दरअसल मेरी नौकरी चली गई और मेरी पत्नी ने घर चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया, और तभी से मुन्ना भी उसी के साथ रहता है खेतों में। मुझे लगता है मुन्ना को वहीं किसी की नजर लग गई। आप इसकी नजर उतार दीजिए ना। नजर तो मैं उतार दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुन्ना भूखा है। क्या आप इसके लिए थोड़ा सा दूध उबाल देंगे? साईं, ये कैसे दूध उबाल सकते हैं? घर का काम इनके बस का नहीं है। इन्हें तो रसोई का काम भी नहीं आता, रसोई छोड़िए, इन्हें तो अपने बेटे को संभालना भी नहीं आता। तभी तो इसे अपने साथ काम पर लेकर जाती हूँ। मैं उबाल के देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं उबाल लूंगा। वैसे आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? जाना तो था, लेकिन आपके पास आना था इसलिए छुट्टी ले ली। ये गलत किया तुमने। तुम्हें अभी पैसों की सख्त जरूरत है, और वैसे भी यहां समय लगेगा। मैं तुम्हारे बेटे को अपनी निगरानी में रखूंगा थोड़े समय के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम काम पे जाओ। पर साईं, निश्चिंत होकर जाओ, बेटे के साथ उसके बाबा हैं, और मैं तो हूं ही। ठीक है साईं, आप कहते हैं
तो चली जाती हूँ। वैसे आज ज्यादा काम है नहीं, बस थोड़ा सा गेहूँ साफ करना है। काम खत्म करके जल्दी ही चली आऊंगी। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। कहाँ चोट लगी है राजा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? हाँ नहीं मम्मी, आपने जैसा सिखा मैंने वैसा किया। लगी थोड़ी सी पर रोना धोना ज्यादा, जिससे कोई मुझे कुछ बोले ना। अरियो राजा यहाँ आ जा। क्या कहा था तुमने, जब आपके पास देने के लिए कुछ हो तब मेरे पास आइए, ऐसे कहा था ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ राजा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। ये पानी में चलती है, पानी में। जाओ अपने आजी के पास जाओ और उसे कहना कि मुझे बाल्टी में पानी दो और उसमें ये चलाना। हाँ जा, खुश हो गया। बेटी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम केशव को लेकर बंबई जाने का सपना पाल रही हो। सिर्फ पाल नहीं रही हूँ, उसे हकीकत में बदलने का हुनर भी जानती हूँ। कह दीजिएगा अपने बेटे से ये सिर्फ धमकी नहीं है। हाँ हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगी। लेकिन बहू क्या है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम्हारे उद्देश्य में सफल होने के लिए तुम्हें किसी न किसी की सहायता लेनी ही होगी। केशव और उसके माँ से तो सहायता मिलने से रही। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मेरे बाबा काफी है। तो बहू क्या तुम समधी जी से जाकर ये कह सकती हो कि तुम हमेशा के लिए शिरडी अपना ससुराल छोड़ के मायके में आकर रहना चाहती हो? क्या वो इस बात का समर्थन करेंगे? हाँ क्यों नहीं, इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी। अच्छा तो वो हमेशा तुम्हें शिरडी क्यों भेजते हैं? तुम अपनी इच्छा से तो नहीं आती हो, ना ही केशव के कहने से और ना ही राजा बेटे की इच्छा से। अपने पिताजी के सामने तुम्हारा कोई वश नहीं चलता है ना? हरिओम, तीर सही निशाने पे लगा है। हरिओम हरिओम, मेरी सहायता के बिना तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगी बहू। केशव को लेकर अपने घर में अगर रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने पिताजी को मनवाना होगा, और इसमें केवल मैं ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बिना मतलब के तो आप कुछ भी नहीं करते। हरिओम हरिओम, तुम्हारी यही समझ, तुम्हारी यही स्पष्टता मुझे प्रभावित करती है बहू।
तुम अच्छी तरह से जानती हो अवसर का लाभ उठाना, अपने उद्देश्य को पाने के लिए दो और दो पांच करना। मेरे भी अपने सपने थे। केशव को मैंने लंदन इसलिए नहीं भेजा था कि वो अपना जीवन इस शिरडी में नष्ट करे। मैं भी चाहता हूं कि वो कुछ बने, और सबसे महत्वपूर्ण उस फकीर से दूर रहे। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? समझौता, समझौता। गांव के बच्चे दशहरे में रामलीला कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपना राजा बेटा उसमें सम्मिलित हो। देखो बहू, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारी बंबई जाने की राह मैं आसान कर दूंगा। आपको क्या लगता है, मैं अपने राजा को उन गवार बच्चों के पास, उस ढोंगी फकीर के पास फिर से जाने दूंगी? हरिओम हरिओम। बहू, कभी कभी कांटे से ही कांटा निकालना पड़ता है। सोच लो, साईं देखिए ना, ऐसे ही गला फाड़ के रोते रहता है जब भी सो के उठता है। मैं कह रहा हूं इसे किसी की नजर लगी है, आप इसकी नजर उतार दीजिए, मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साईं से कोई बीमारी नहीं है जो आप अपनी निगरानी में रखकर इलाज करें। सबूरी, चुप हो जा। साईं, इसकी आई को नहीं भेजना चाहिए था, इसे सिर्फ वही संभाल सकती है। थोड़ी देर में आ जाएंगी वो, आप धैर्य रखिए। लीजिए, आप इसे दूध पिला के देखिए, अगर पीता है तो। मैं? मुझे नहीं आता साईं, इसे तो इसकी आई खिला पिला सकती है। कोई बात नहीं, तो उनके लौटने का इंतजार करते हैं। लीजिए। अरे चुप हो जा बेटा, रो मत। पता नहीं कब आएगी तेरी आई। रो रो के परेशान कर दिया है मुझे। मुन्ना, मुन्ना बेटा, चुप हो जा मुन्ना। अरे कुछ नहीं हुआ तुझे, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ तुझे। ले बेटा, ले 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 मेरा राजा बेटा।
सुला दिया। आपको तो उसे संभालना नहीं आता था ना, फिर कैसे? क्योंकि मुन्ना इनके भी संतान है, ये पिता है मुन्ना के, और बच्चा खुद को अपने माता पिता की बाहों में सबसे अधिक शांत और सुरक्षित महसूस करता है। घर चलाने के लिए आपकी पत्नी जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, दोहरी भूमिका निभा रही हैं, ये घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी। उस पर से ये अपने बेटे को भी अपने साथ काम पर ले जा रही हैं, लेकिन काम में व्यस्त रहने की वजह से अपने बेटे पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना इसे मिलना चाहिए। मुन्ना को किसी की नजर नहीं लगी है, बल्कि दिन भर खेत की धूल मिट्टी और धूप में रहने के कारण ये आए दिन बीमार पड़ता रहता है। इसे घर में रखने की जरूरत है, प्यार और देखभाल की जरूरत है, और इस स्थिति में सिर्फ आप ये कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद कर सकते हैं, जैसे दूध उबालना, घर की साफ सफाई। जब आपने देखा कि आपका बेटा खतरे में है तो इसे बचाने के लिए आप दौड़े। आपका व्यवहार ये दर्शाता है कि आप भी अपने बेटे के लिए उतने ही सतर्क जागरूक हैं जितनी इसकी आई, और ये कहना कि आपके पति कुछ कर ही नहीं सकते ठीक नहीं। उन कामों को सीखने में आप इनकी मदद कीजिए जिन्हें करना इन्हें नहीं आता। ये जीवन जो हम सबको मिला है उसका इससे बड़ा अपमान कोई नहीं। जब हम अपने को सीमाओं में बांध लेते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये हम नहीं कर सकते या ये हमारा काम नहीं है, सही मायने में जीवन वही होता है जिसमें निरंतर कुछ नया करने और सीखने की चाह जीवित हो। अगर हमारे कर्म से किसी की कोई सहायता, कोई लाभ हो, किसी का भी भला हो, तो हमें करना चाहिए। सदैव नई भूमिकाओं में अपने को ढालते रहना चाहिए। अपने घर में, समाज में, परिवार में, हर जगह जिम्मेदारियों को बांटने के लिए सदैव इच्छुक और तैयार रहना चाहिए। तभी हमारे इस देह का मिलना सार्थक होगा। मैं समझ गया साईं, अब से मुन्ना घर पे ही रहेगा मेरे साथ। मैं उसकी देखभाल करूंगा। अब से ना मैं केवल मुन्ने का ही ख्याल रखूंगा बल्कि घर के कामों में मदद भी करूंगा। आज से कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारी या मेरी नहीं है, हम दोनों की हैं। और हां, अगर मुझे कुछ नहीं आएगा ना
तो मैं सीखूंगा। तुम सिखाओगी ना मुझे? हाँ, और आज से आप पर भरोसा करूंगी कि आप मुन्ने की देखभाल कर सकते हैं। साई, घर तो मेरा सालों पहले बस गया था, लेकिन आज आपने हमें एक दूसरे के और पास लाके एक परिवार बना दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सब मालिक का करम है। छोटी मालकिन, आप अपने ससुर जी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। पता नहीं राजा को उस नाटक में फंसा के वो क्या हासिल करना चाहते हैं। बंबई ही जाना है, हम अभी चल सकते हैं। आप अपने आई बाबा की एक लौती बेटी है और मायके का दरवाजा तो अपनी बेटी के लिए हमेशा खुला रहता है। और फिर आप तो मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है।